द्वारा स्वागत अभिनंदन करते हैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से। निवेदन है कि मुष्टिका ऊपर करके दोनों हाथ से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए स्वागत अभिनंदन करते। अभी 13 तारीख को, दिसंबर 13 को पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं और उस क्षण को मैं बयान नहीं कर सकता आपसे, जो अनुभूति है हजारों की संख्या में देश भर के संत, देश भर के विशिष्ट लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बाबा विश्वनाथ धाम काशी विश्वनाथ धाम के कार्यों का लोकार्पण कर रहे थे, आंखों से खुशी के झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, आंसू निकल रहे थे खुशी के, गौरव की अनुभूति के आंसू निकल रहे थे। अब मुझे तो ऐसा भी लगता था कि माँ गंगा भी सामने जो दिखाई दे रही थी वह भी एकदम खुशी के आंसू बहाती हुई कह रही थी कि अब तो मैं भी अपने आराध्य बाबा भोलेनाथ के चरणों का दर्शन कर गौरव होता है कि नहीं, श्री विश्वनाथ धाम बना गौरव होता है कि नहीं, हाथ उठा के बताओ भैया गौरव होता है कि नहीं। गौरव होता है कि नहीं जरा बताइए ना, कुछ बातें आपसे चर्चा करता हूं और जरूर आप बताएंगे कि गौरव होता है कि नहीं। 500 साल से, 492 साल से 77 युद्ध लड़े गए, 77 युद्ध लड़ लिए गए, लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, गांव के गांव लोगों ने अनेक प्रकार के संकल्प किए, कहा कि हम जूता नहीं पहनेंगे, हम सर पर टोपी नहीं पहनेंगे, हम बाल में तेल नहीं लगाएंगे, हम स्नान नहीं करेंगे, अनेक अनेक प्रकार की संकल्पनाएं लेकर के लोगों ने तय किया कि जब तक श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक हम जूता नहीं पहनेंगे जी। इस तरह के संकल्प लेकर के लोगों ने काम किया, लेकिन 77 युद्ध के बाद भी कांग्रेस के लोग, सपा के लोग नहीं चाहते थे कि मंदिर बने। आज मंदिर बन रहा है, बन रहा है, गौरव होता है कि नहीं आप, गौरव होता है कि नहीं आपको, आपको राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है इस बात का गौरव है कि नहीं है, हाथ उठाकर बताइए कि गौरव है कि नहीं है, गौरव है कि नहीं है। भाइयों बहनों, विद्यार्थियों में निश्चित तौर पर उनको जानकारी होगी, एक हाइबरनेशन पीरियड, शीत निष्क्रियता, थोड़ा मैं और विस्तारित करता, मेंढक जो होता है बरसात में देखते हैं खूब मेंढक दिखाई देते हैं, खूब आवाज करते हैं, आजकल नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं कहीं, हम भी पीछे हैं, बोलिए भाई मेंढक आजकल दिखाई देते हैं, जमीन के अंदर वाले, जमीन पर रहने वाले मेंढक नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनकी शीत निष्क्रियता चल रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा पूरा देश, पूरा विश्व 2 साल से एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, लॉकडाउन भी लगाना पड़ा, रेल बंद हो गई, हवाई यात्राएं बंद हो गई, सबको जान बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा किया, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सेवा ही संगठन का भाव लेकर के काम करने का आह्वान भी किया अपना उद्योग। ये वही उत्तर प्रदेश है, मैं आपको बताऊं, एक बनारस में मीनाकारी का इंस्टीट्यूट बना है, उसके कर्ता धर्ता नाम नहीं बताऊंगा आपको, पिछली सरकार सपा की सरकार में आए थे, गुजरात में थे, वैसे रहने वाले हमारे विधानसभा के, चले गए कालांतर में जाकर, ऐसे वो व्यक्ति जब आए तो हमारे उस समय के मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी से मिले थे, उन्होंने कहा कि जरा चाचा से मिलिए, कौन चाचा, तो रामगोपाल चाचा से मिलो, रामगोपाल चाचा के पास गए, उन्होंने कुछ कहा, चर्चा हो गई, फिर कहा रामगोपाल चाचा ने कहा कि शिवपाल चाचा से मिला, शिवपाल चाचा के पास गए,
जब उन्होंने कुछ बात कही तो वह बेचारे जिन्होंने इस युद्ध स्थापित किया है उन्होंने कहा कि रात भर राम नाम का जप किए, राम नाम का जप किए कि जल्दी सुबेरा हो, जल्दी जहाज मिले, जल्दी से मैं गुजरात भाग जाऊं। भाग गए, आए नहीं लगाने के लिए, आए जब योगी जी की सरकार बन गई और फलता फूलता युद्ध यहाँ पर चला।